गुरुजनों की जय जयकार, सतगुरुजनों की जय जयकार, परम सतगुरुजनों की जय जयकार, आदि गुरुजनों की जय जयकार। इस पाक पवित्र नगरी नु जो भाग लगे ने संत महापुरुषों के जिथे उपस्थिता हो जाए, विराजमानता हो जाए, वो धरती नु भाग ही लग जाते हैं हजू। और इसका नजारा मैं ले चुकिया शब्दों के बयान करने की रुचि रखदा, पर जरा गीत संगीत का दौर शुरू करके फिर तुहाडे नाल गल सांझी करना। सो मैनू आग्या पक्षो बाबा जी मत्था टेक दे जी। राज माता जी बहुत बहुत प्यार सत्कार नाल तुहाडे चरणों विच दंडवत प्रणाम, और माता जी नू कोटी कोटी प्रणाम। आई हुई सारी साध संगत नू दूर दूर तक विराजमान ने, जदों भी असीं इत्थों दे निकलदे सीगे तां लगदा सी कि इह समागम इस नू कौन इन्ने प्यार नाल संचालक कर रहा होगा। किसी की कोई आवाज नहीं है, जो आवाज आ रही है सिर्फ महापुरुखों की आवाज आ रही है कि जो प्रसंग चल रहे हैं लोग इन्ने प्यार नाल मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। यह समागम वाकई लगता है कि रब्बी प्रकाश आप विराजमान है। सो मैनू कोई बहुता सूफियाना कलाम आउंदा नहीं, पर जो कुछ भी आउंदा है मैं साइयां दे चरणां विच जिस तरह का भी होया, बेसुरा बेताला बेगुरा जिन्ना भी होया प्लीज कबूल कर लियो, मेरे अवगुण चित ना तरियो। बहुत बहुत मेहरबानी। बाबा बूटा जी दे बूटे लाए हुए ने और ये बाग बगीचे हमेशा प्रफुल्लत रहणगे, फल फुल वाले दिंदे ने, फल फुल वाले ही रहेंगे। संत बाबा अवतार सिंह जी जिन्होंने अपनी मिठी बाणी लिख के दुनिया के संसियों तो मुक्त कर दिता, वहमां भरमां तो मुक्त कर दिता, जात पात के झगड़िया तो मुक्त कर दिता, खाण पीण के परहेज, किसी तो निंदिया चुगली तो परहेज, प्यार करो सब नूं प्यार करो। और जे ये चीज सारे पासे इस चीज का संदेश पहुंचे तो दुनिया के कदे अशांति हो ही नहीं सकती। सो शुरू कर दें। तेरे इश्क का गिड़दा पैंदा नहीं, तेरे इश्क का गिड़दा पैंदा, एक सोने महबूब की खातर की करना पैंदा।